अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये जी सुबह सुबह ही ले आए थे हस्बैंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और इन्हें मैं निकाल रही हूँ बास्केट में और फिर वॉश कर लूँगी अच्छे से। और ये हस्बैंड लेके आए हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। किस लिए लेके आए हैं? ये न्यू ईयर पार्टी है आज हमारे घर पे। कुछ है मेरे इन लॉ से और कुछ है मेरे मैके से आए हैं। और यहाँ पर जी आज खाना मैं बनाऊँगी और कुछ प्रिपरेशन करूँगी खाने की, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी अभी जी। तो सबसे पहले मतलब करेंगे बारबेक्यू की मैरिनेशन, जो बारबेक्यू आज करना है। और उसके बाद मैं जल्दी से फ़िश को मैरिनेट कर लूँगी और साथ ही मैं बनाऊँगी मटर पुलाव जी। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ मैरिनेट, जो हमने करना है बारबेक्यू। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने योगर्ट लिया और डाला है बारबेक्यू मसाला, और साथ है अदरक लहसुन का पेस्ट और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर, और यहाँ पर मैं डाली हूँ योगर्ट। बारबेक्यू के लिए चिकन जब भी मैं मैरिनेट करती हूँ तो मैं इसमें फूड कलर ज़रूर ऐड करती हूँ, और हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है फूड कलर। और अब मैं चिकन ऐड कर दिया है और अब इसे हाथों से मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तीन मैंने लिए थे लेमन और इनका मैंने जूस ऐड कर दिया, और अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और फिर बाद में मैं इसे बारबेक्यू करेंगे। साथ साथ में मैं मैरिनेशन कर रही हूँ चिकन की। और यहाँ पर जी मैंने स्टोव पे रखा हुआ है कस्टर्ड, और यहाँ पर मेरा बहुत ही मज़े का वनीला कस्टर्ड जो है वो रेडी हो रहा है। सभी की चॉइस जो है वो डिफरेंट होती है, बट मुझे जो है वनीला कस्टर्ड बहुत पसंद है और मैं यही शौक से बनाती हूँ और खाती हूँ। और यहाँ पर जी मैं फ़िश निकाल रही हूँ बैग से, और यहाँ पर अजवाइन लगी होती है तो इसे मैंने फ़िश को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है जी। तो यहाँ पर जी मैंने फ़िश को निकाल लिया है, और अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। और मेरे पास टाइम बहुत कम था, 4 से 5 घंटे मिले थे मुझे खाना बनाने के लिए जी। तो यहाँ पर ना मेरे साथ कोई हेल्प करवाने वाला भी नहीं था, तो अकेली ने ही मैंने सारा खाना बनाया था, तो इस ये सब मुझे मैनेज करना था। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सारा काम जो है वो 5 बजे तक कंप्लीट कर लिया था, मेरा खाना रेडी हो गया था 5 बजे। अब मैं करूँगी फ़िश को मैरिनेट। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैंने डाली है रेड चिली पाउडर। यहाँ पर जी मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पर जी मैंने नेशनल का फ़िश मसाला ऐड किया है। आप कोई सभी मतलब किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। फ़िश की रेसिपी तो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, और जो मैंने फुल रेसिपी की दी थी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपकी फ़िश बहुत ही मज़े की बनेगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फ़िश है वो बहुत सभी बहुत पसंद करते हैं कि मैं बहुत मज़े की बनाती हूँ। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मैं डाल रही हूँ रेड चिली, और साथ में ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस और चिली सॉस डालने से जो फ़िश का टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है, तो ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। 4 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ सिरका, क्योंकि फ़िश ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा सिरका ऐड कर रही हूँ। और 4 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हाथों से अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। फ़िश को काट उन्होंने पहले से ही बहुत अच्छी तरह से लगा दिए थे, और अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये मैं फ़िश के ऊपर डाल दूंगी और कट के अंदर तक जाएगा। और इसे करने के लिए मैं मतलब हाथों के साथ अच्छे से मैरिनेट करूंगी ताकि अच्छे से जो है वो इसके ऊपर इसका जो मिक्सचर है वो लग जाए। अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक तरफ है जी बारबेक्यू और दूसरी तरफ है फ़िश, और इन दोनों को 3 से 4 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद हम करेंगे बारबेक्यू और साथ में करेंगे फ़िश फ्राई। और यहाँ पर जी लॉन में हो रहा था बारबेक्यू, और भाई कर रहे थे और साथ में कर रहे थे मेरे कज़न्स, और भाई कर रहे थे बारबेक्यू और सब बच्चे आस पास घेरा डाल के खड़े थे और वो बारबेक्यू होते देख रहे थे जी। तो हाफ काम तो कर लिया भाई ने, और अब यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ किचन में फ़िश फ्राई। और यहाँ पर मैंने 2 कढ़ाइयाँ ली थी और उसमें मैं कर रही थी फ़िश फ्राई। और उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे का टाइम था गैस के आने का, और यहाँ पर हमारी हुई पार्टी फिर 6 बजे। तो 6 बजे बच्चों के आगे थे ताया, और साथ में हमने लगा दिया था खाना।
टेबल पे और सब लोग आ गए थे, तो माशाल्लाह से हर चीज़ परफेक्ट कंप्लीट हो गई थी टाइम पे। जी तो माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और बड़ों ने भी बहुत इंजॉय किया और हम सब ने मिलकर खाना खाया और सब ने खाना बहुत पसंद किया, स्पेशली फ़िश तो सबको ही मेरे हाथ की बनी हुई अच्छी लगती है। तो जो भाई ने बारबेक्यू किया था वो भी बहुत मज़े का था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे गेट टुगेदर होना और हम सब मिलकर ऐसे ही रहते हैं, अल्लाह पाक हमारा ऐसे ही प्यार रखे। हम सब ने मिलकर दुआ मांगी कि आने वाला जो नया साल है हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरे, रहमतों वाला बरकतों वाला, अल्लाह पाक बहुत अच्छे से हमारा नया साल जो है वो गुजरे। जी तो अब मैं जा रही हूँ किचन समेट के बच्चों के रूम में, देखती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये है मेरे किड्स का रूम, तो आइए देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, बच्चे सोए हैं या नहीं, मैं इन्हें चेक करती हूँ। तो टाइम तो हो गया है इस टाइम 11:23, तो चलिए देखते हैं। बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं इनका देखती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। ये क्या हो रहा है बच्चों? Happy New Year, Happy New Year. जबरदस्त ब्यूटीफुल, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इनका विश करना और बहुत नाइस था। और ये देखे इन्होंने इम्पोर्टेंट मैसेज भी दिया है, कम फॉर प्रेयर, कम फॉर प्रेयर। तो ये आने वाले नए साल के लिए इतना अच्छा मैसेज है कि आप प्रेयर की तरफ आए, नमाज पढ़ें, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करें। हेलो टेंटन, वाओ माशाल्लाह ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लगा मुझे आपका विश करना, थैंक यू सो मच। वेलकम अगेन, हैप्पी न्यू ईयर 2021, आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बाय रखो। अब हम खाते हैं, पहले दुआ मांगे हैप्पी न्यू ईयर की। जी न्यू ईयर के लिए हम दुआ करेंगे और बहुत ही अच्छा था बच्चों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला कमा बारक अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद। या अल्लाह आने वाला साल जो है हमारे लिए बहुत रहमतों और बरकतों वाला हो, आमीन। अब हम खाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट पहले आप लोग ये बताएं आप लोग अभी तक जा क्यों रहे हैं? हम कुछ डेकोरेट कर रहे थे तो इसलिए हमने सोचा कि हम मम्मा के ब्लॉग के लिए डेकोरेट कर लें, और ऐसे भी न्यू ईयर है तो हमने सोचा कि हम डेकोरेशन करते हैं ताकि आप लोगों को हम क्या चल रहा है वहाँ पर, मैंने सोचा तो मैंने कहा कि जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है अंदर। तो ये जो ठक ठक की आवाज थी ये थी हैमर की आवाज। अब हम चैलेंज करने लगे हैं, जी तो देखते हैं, मैं भी होती हूँ या महान, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अब लेस चैलेंज होने लगा है, तो एमरजेंसी में दो बच्चों को मिला वो ही मुझे लेके आए। 1 2 3 4 स्टार्ट। देखते हैं आज का कौन विन करता है लेस का।
जी, तो ये विन किया है कॉम्पिटिशन मोहम्मद माहर ने, और वो देखिए आप देख सकते हैं लेस वहाँ पर भी हैं और इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी कुछ है। और ये देखिए ये वाला जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल फिनिश किया है मोहम्मद माहर ने, तो क्लैपिंग मोहम्मद माहर के लिए। अब हम सोने जा रहे हैं, अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमने डेकोरेशन किया, हम तो बहुत थक गए, और हम सुबह जा रहे हैं नमाज भी पढ़ेंगे और नए साल की पहली नमाज फजर भी आप पढ़ेंगे। तो इसी के साथ कैसा लगा आपको मेरे बच्चों का विश करना, हैप्पी न्यू ईयर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।